हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMDT गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम एनाटॉमी में एपिडर्मल अपेंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। एपिडर्मल अपेंडिसेस को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है। हमने प्रीवियस लेक्चर में एपिडर्मल टिश्यू के अंदर हमने एपिडर्मल सेल्स क्या है इसे कम्प्लीट किया है। एपिडर्मल सेल्स के बाद में एपिडर्मल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्ट्रोमेटा के बारे में पढ़ा था। स्ट्रोमेटा के बाद में हमने देखा कि टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा कैसे होते हैं। हमने 6 टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा पढ़े थे। प्रीवियस लेक्चर तक हम टाइप ऑफ स्ट्रोमेटा तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मल अपेंडिसेस। ये एपिडर्मल अपेंडिसेस होती क्या है? एपिडर्मल अपेंडिसेस जो है वो प्लांट की सरफेस से बाहर की तरफ निकल रही है। क्या कहा है हमने एपिडर्मल अपेंडिसेस के बारे में? अपेंडिसेस कैन बी डिफाइंड एज आउट ग्रोथ फ्रॉम एक्सटर्नल सरफेस। क्या एक्सटर्नल सरफेस से निकलने वाली आउट ग्रोथ जो है उसे अपेंडिसेस कहते हैं। किसकी एक्सटर्नल सरफेस से निकल रही है? प्लांट्स में प्रेजेंट रूट से स्टेम्स की एक्सटर्नल सरफेस जो है, बाहरी भित्ति जो है उससे रोम लाइक छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिन्हें हम अपेंडिसेस कहते हैं। अपेंडिसेस उभार, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हम अपने हैंड्स को, हमारे हाथ जो है वो अपेंडिसेस, पांव जो है बॉडी के अपेंडिसेस हों, वैसे ही स्टेम के अंदर कैसे अपेंडिसेस निकलेंगे? स्टेम के अंदर हेयर लाइक ट्राइकोम्स निकलते हैं, और रूट के अंदर रूट हेयर्स निकलते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करके समझते हैं कि स्टेम में और रूट के अंदर कैसी अपेंडिसेस होती हैं। रूट के अंदर हमने कहा कि रूट के अंदर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट्स में रूट हेयर। रूट का डायग्राम ड्रॉ कर लें। ये रूट की एपिडर्मिस बना रहे हैं हम। क्या बनाई है? रूट एपिडर्मिस। रूट की एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट होंगे? रूट की एपिडर्मिस पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर्स कहाँ से निकले हुए होते हैं? रूट की एपिडर्मिस पे रूट हेयर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स होते कैसे हैं? रूट हेयर्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। निकले कहाँ से होते हैं? ये रूट की एपिडर्मिस से निकले हुए होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। इनके अंदर इनका खुद का साइटोप्लाज्म होता है और वन न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। कौन होता है यूनिसेलुलर? रूट हेयर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। इनके अंदर इनका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और एक न्यूक्लियस होता है। रूट हेयर्स फंक्शन क्या करते हैं? इनका क्या फंक्शन है? रूट हेयर्स जो होते हैं रूट में बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और क्या काम कर रहे हैं? वाटर को, मिनरल्स को और आयन को सोइल से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। क्या फंक्शन है रूट हेयर का? एब्जॉर्ब एंड मिनरल्स। कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं? रूट हेयर जो हैं वो सोइल से क्या कर रहे हैं? सोइल से पानी को, आयंस को और मिनरल्स को जो है अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेम की एपिडर्मिस पे हम क्या देखेंगे? स्टेम की एपिडर्मिस पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं स्टेम की एपिडर्मिस पे? स्टेम की एपिडर्मिस का डायग्राम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि स्टेम की एपिडर्मिस के ऊपर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम्स होते हैं क्या है? ट्राइकोम्स स्टेम की एपिडर्मिस से निकले हुए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। कैसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं?
स्टेम की एपिडर्मिस बना लेते हैं। एपिडर्मिस सेल्स होती कैसी है, सिंगल सेल्स होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है, इलोंगेटेड सेल्स होती है। क्या बना रहे हैं हम, स्टेम की एपिडर्मिस बना रहे हैं। स्टेम की एपिडर्मिस से क्या निकले हुए हैं, स्टेम की एपिडर्मिस से ट्राइकोम्स निकले हुए होते हैं। ये ट्राइकोम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। कैसे, यूनिसेलुलर भी हो सकता है ट्राइकोम और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और क्या फीचर्स होते हैं ट्राइकोम के, ट्राइकोम जो है वो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। कैसा, यहाँ पे हमने अनब्रांच्ड बनाया है, अनब्रांच ट्राइकोम बनाया, यहाँ पे हमने ब्रांच्ड ट्राइकोम बनाया। ट्राइकोम्स प्रेजेंट कहाँ है, ट्राइकोम्स जो होते हैं स्टेम की एपिडर्मिस से प्रेजेंट होते हैं और यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और हमने कहा कि ये अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। कैसे, अनब्रांच्ड, इनके अंदर ब्रांचिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये ट्राइकोम्स जो है इनका हम देख रहे थे कि ये ट्राइकोम्स जो होते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं, ट्राइकोम्स का क्या फंक्शन है। ट्राइकोम जो है वो स्टेम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। क्या दे रहा है, प्रोटेक्शन, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लांट्स जो है, प्लांट में स्टेम पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, एयर के अंदर प्रेजेंट होता है, एरियल पार्ट होता है स्टेम। स्टेम पे सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट होगा, यदि सनलाइट की रेडिएशंस की वेलोसिटी हाई हो तो क्या होगा, यदि अधिक तीव्रता की रेडिएशंस आए तो होगा क्या, स्टेम जो है उसका एपिडर्मल टिश्यू डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है, एपिडर्मल टिश्यू डैमेज हो सकता है। टिश्यू सॉफ्ट पार्ट ही तो होते हैं, वो सनलाइट से डैमेज हो सकते हैं। सनलाइट से उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट होती है, हमने कहा था कि स्टेम के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनके अंदर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम्स है क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने कहा प्रोटेक्ट करने का काम करता है, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है, सनलाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रहा है प्लांट को। और क्या काम कर रहा है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। किसको, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है कहने से हमारा क्या मतलब है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्टेम के ऊपर ट्राइकोम्स जो प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये स्टेम के ऊपर एक पतली कवरिंग बना देता है। क्या कर देता है, पतली कवरिंग बना देता है जो कि स्टेम को वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है। कैसे, ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस जो है, अगर उसके स्टेम के ऊपर हमने कवरिंग लगा दी तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगी। उस पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस का, टेम्परेचर का, लाइट का। ऊपर हमने कहा लाइट से प्रोटेक्ट कर रहा है कि डायरेक्ट सनलाइट जो है उन्हें डैमेज ना करे। यदि डायरेक्ट सनलाइट आएगी तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे ही ट्रांसपायरेशन की रेट भी इंक्रीज होती जाएगी। किसकी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है वो भी बढ़ती जाएगी, जिससे प्लांट के अंदर वाटर का लॉस होएगा बाहर की तरफ। इसलिए हमने कहा प्रोटेक्ट कर रहा है सनलाइट से, और किससे प्रोटेक्ट कर रहा है, पानी का जो है वो बाहर की तरफ लॉस ना हो, इससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये। जब हम किसी स्टेम को लेते हैं, प्लांट के स्टेम को, इसे हम जनरली भी देख सकते हैं कि ये ट्राइकोम्स है क्या। किसी स्टेम को हम लें तो हमें इसके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के जो हैं वो रोम दिखाई देते हैं। कैसे, छोटे छोटे वाइट कलर के रोम दिखाई देते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हेयर्स होते हैं, वैसे ही स्टेम के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के रोम निकले हुए होते हैं जिन्हें हम ईजिली देख सकते हैं। जैसे कि किसी ओसिमम का या तुलसी का तना जब हम देखेंगे तो उसके ऊपर हमें ये छोटे छोटे हेयर्स जो हैं वो नेकेड आई से भी दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि इन ट्राइकोम्स का और रूट हेयर का फंक्शन क्या है, ये काम क्या कर रहे हैं, वो होते कहाँ पे हैं, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। रूट की एपिडर्मिस पे रूट हेयर्स, स्टेम की एपिडर्मिस पे जो है वो ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने कहा कि ये रूट हेयर्स फंक्शन क्या करते हैं, रूट हेयर्स जो थे वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा था, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था एंड आयंस को एब्जॉर्ब कर रहा था।
कहा हमने कि ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इनका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है किसके अंदर, रूट हेयर्स के अंदर। ट्राइकोम्स में हमने क्या कहा, ट्राइकोम में हमने कहा ये ट्राइकोम्स जो होते हैं वो स्टेम की एपिडर्मिस से निकले हुए होते हैं, स्टेम की एपिडर्मिस की बाहर की तरफ क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हमने ट्राइकोम कहा। ट्राइकोम जो है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, और ट्राइकोम जो है वो यूनिसेलुलर हो सकता है, मल्टीसेलुलर हो सकता है। फिर हमने कहा ये ट्राइकोम फंक्शन क्या करता है, ट्राइकोम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा था किसके अगेंस्ट, सनलाइट के अगेंस्ट, और क्या कर रहा था, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा था। एक और फंक्शन होता है इन ट्राइकोम्स का, ये कुछ सेक्रेटरी कंपोनेंट्स को बाहर की तरफ सेक्रेट करते हैं, क्या काम कर रहे हैं, एक और क्या फंक्शन इनका, सेक्रेशन का। इस सेक्रेशन की बेसिस पे हम ट्राइकोम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे ट्राइकोम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, स्पेस पे डिवाइड किया है, सेक्रेशन के बेसिस पे। ट्राइकोम्स जो होते हैं उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, पहला नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम, क्या पहला है नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम, सेकंड ग्लैंडुलर ट्राइकोम। ये नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम क्या है, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो होते हैं वो किसी भी कंपोनेंट का सिक्रेशन नहीं करते, ये सिक्रेशन करने का काम करते ही नहीं है। कौन से नॉन ग्लैंडुलर टाइप ऑफ ट्राइकोम जो होते हैं वो सिक्रेशन नहीं करते हैं। सिक्रेशन नहीं, और ग्लैंडुलर ट्राइकोम क्या करता है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो होते हैं वो कुछ कंपोनेंट को बाहर की तरफ सिक्रेट करने का काम कर रहा है, क्या काम करता है, कुछ कंपोनेंट्स को सिक्रेट करने का काम करता है, सिक्रेशन का फंक्शन करता है। कौन से कौन फंक्शन कर रहा है, ग्लैंडुलर ट्राइकोम। किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, हमने कहा कि सिक्रेशन के बेसिस पे ट्राइकोम्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम फर्स्ट एंड ग्लैंडुलर ट्राइकोम सेकंड। नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम में हमने कहा ये किसी भी टाइप के कंपोनेंट को सिक्रेट नहीं करता, ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो था वो कुछ कंपोनेंट्स को बाहर की तरफ सिक्रेट करने का काम करता है। नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स के अंदर हम कुछ फर्दर टाइप्स देख सकते हैं कि ये मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, स्टीलर नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम हो सकते हैं, एक ही पॉइंट से बहुत सारे हेयर्स निकले हैं तो उसे हमने स्टीलर ग्लैंडुलर नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम कहा। फिर हम कह रहे हैं जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम है इसे भी हम कुछ टाइप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें भी अनब्रांच्ड हो, ब्रांच्ड हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कहीं कहीं पे कुछ नॉन ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कहीं पे मल्टीसेलुलर प्रेजेंट होते हैं, इनमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है और ये अनब्रांच्ड भी होते हैं, और कुछ सिक्रेशन का फंक्शन करते हैं, क्या सिक्रेट करते हैं ये ग्लैंडुलर ट्राइकोम, ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो है वो पॉइजन का सिक्रेट करते हैं, किसे हम कुछ डाइजेस्टिव नॉन डाइजेस्टिव ग्लैंडुलर ट्राइकोम के बारे में देखेंगे, किसके बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंडुलर ट्राइकोम। डाइजेस्टिव ग्लैंडुलर ट्राइकोम है क्या, कुछ प्लांट्स के अंदर ट्राइकोम जो होते हैं वो पॉइजन को सिक्रेट करते हैं, और ये पॉइजन जो है वो इंसेक्ट को अपने ऊपर चिपका लेता है, फिर उस इंसेक्ट को डेड कर देता है और उसके मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर देता है। किसके मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है इसने, इसने जो इंसेक्ट इन प्लांट के ऊपर बैठते हैं उनको पॉइजन सिक्रेट करके पहले तो किल किया, किल करने के बाद में क्या किया, उस इंसेक्ट की बॉडी से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, किसने, डाइजेस्टिव ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स ने। क्या सिक्रेट किया है, पॉइजन को सिक्रेशन करते हैं, कौन, ये ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो होते हैं हमने कहा सिक्रेशन का फंक्शन करते हैं। फिर हमने इसका एक टाइप देखा कि ये डाइजेस्टिव ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो है वो पॉइजन को सिक्रेट करने का काम कर रहा है। कुछ हम फंक्शंस देखते हैं,
किसके फंक्शन देख रहे हैं हम देख रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के फंक्शंस है क्या क्या फंक्शन है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन क्या पढ़ा हमने, किस चीज़ से प्रोटेक्शन करता है, जैसे कि हमने स्टेम के अंदर पढ़ा था कि जब स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा तो स्टेम के ऊपर क्या प्रेजेंट थी, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, क्या क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, वो किससे प्रिवेंट करती थी, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती थी, सनलाइट का डायरेक्ट इफेक्ट ना हो इससे प्रिवेंट कर रही थी। ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ा, ट्राइकोम भी क्या कर रहा है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, सनलाइट से बचा रहा है प्लांट को, ये तो हुआ प्रोटेक्शन का काम। और कंट्रोल वाटर लॉस, वाटर लॉस को कंट्रोल करता है कौन करता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। कंट्रोल वाटर लॉस के अंदर क्या देखेंगे हम देखेंगे क्यूटिकल की लेयर, क्यूटिकल की लेयर एक क्या बना रही थी, एक कवरिंग बना रही थी, जिससे हो क्या रहा था, ट्रांसपायरेशन की रेट जो थी वो डिक्रीज़ हो रही थी। और थोड़ी देर पहले ही हमने कहा कि ये जो ट्राइकोम्स है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं, वो भी ट्रांसपायरेशन की रेट को कम कर रहे हैं। सेकेंड हम देखेंगे कि क्या फंक्शन लिखा है, थर्ड हमने लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट हेयर्स जो थे वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे थे, किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और आयंस को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से, सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं रूट हेयर्स। एक और फंक्शन में हमने लिखा है गैसियस एक्सचेंज में, गैसेस एक्सचेंज का फंक्शन कहाँ पे पढ़ा था हमने, गैसेस एक्सचेंज जब लीफ की स्ट्रक्चर के, एपिडर्मल स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्ट्रोमेटा पढ़ा था, तो हमने कहा ये स्ट्रोमेटा जो है फंक्शन क्या कर रहा है, इनके थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है। और एक और क्या फंक्शन था, इनके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, कहाँ पे पढ़ा था हमने ये, हमने ये लीफ की सॉरी एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर स्ट्रोमेटा के बारे में पढ़ा, एपिडर्मल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा स्ट्रोमेटा। ये स्ट्रोमेटा की गार्ड सेल्स जो थी वो क्या फंक्शन कर रही थी, स्ट्रोमेटा के गार्ड सेल्स से वो क्या रहा था, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, ऑक्सीजन बाहर की तरफ, CO2 जो है वो प्लांट ले रहा था। और क्या फंक्शन कर रहा था, ये फंक्शन कर रहा था वाटर लॉस का, ट्रांसपायरेशन का। ये हुआ गैसेस एक्सचेंज की बात। फिर यहाँ पे एक और फंक्शन में हमने लिखा है सिक्रेशन का फंक्शन करता है, कौन कर रहा है सिक्रेशन का फंक्शंस, ट्राइकोम्स। कौन, ये जो ट्राइकोम्स है ये सिक्रेट कर रहे हैं, क्या सिक्रेट कर रहे हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो है वो पॉइजन को सिक्रेट करता है, ये पॉइजन इंसेक्ट को अपने ऊपर चिपका लेता है, फिर उसे किल करता है, फिर उसके मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये काम कौन कर रहा है, प्लांट्स में ट्राइकोम्स जो प्रेजेंट है उनके थ्रू पॉइजन के सिक्रेशन की वजह से ये सब काम हो रहा है। ये किसके फंक्शंस देखे हैं हमने, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के फंक्शंस देखे, प्रोटेक्शन का काम करता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सेकंड, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का, वाटर लॉस को कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड हमने देखा कि वाटर को एब्जॉर्ब करने का, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का और आयंस को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। वो काम कर कौन रहा था, हमने यहाँ पे रूट हेयर्स के बारे में पढ़ा, ये रूट हेयर्स जो थे वो पानी से एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे थे, सॉरी पानी को, मिनरल्स को और आयंस को सोइल से एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे थे। फिर एक और फंक्शन लिखा है गैसेस एक्सचेंज का, स्ट्रोमेटा जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करवाता है और इन स्ट्रोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की वजह से ही ट्रांसपायरेशन होता है। फिर हमने कहा ये सिक्रेशन का फंक्शन भी करता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो सिक्रेशन का फंक्शन भी करता है, किस चीज़ का सिक्रेट कर रहा है, ये पॉइजन को सिक्रेट करने का काम कर रहा है, कुछ प्लांट्स के अंदर पॉइजन को सिक्रेशन का फंक्शन करते हैं। यहाँ पे हमने आज के लेक्चर में एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने पढ़ा क्या है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर सबसे पहले हमने एपिडर्मल सेल के बारे में पढ़ा था, उसके बाद में एपिडर्मल स्ट्रक्चर, एपिडर्मल स्ट्रक्चर के अंदर हमने स्ट्रोमेटा कवर किया है, स्ट्रोमेटा के टाइप्स कवर किए हैं, और जो थर्ड पार्ट था एपिडर्मल अपेंडिसेस,
एपिडर्मल अपेंडिसेस आज कंप्लीट किया है, जिसके अंदर रूट हेयर के बारे में पढ़ा है, ट्राइकोम्स के बारे में पढ़ा है, फिर हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के फंक्शंस देखे हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, कल हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।